नमस्कार आरसीएन के दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। दर्शकों, हमारे नियमित कार्यक्रम हेल्थ केयर में हम स्वास्थ्य संबंधित समस्या पर चर्चा करते हैं और उस विषय से संबंधित हमारे मेहमान विशेषज्ञों से हम उस पर राय लेते हैं। बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम होता है कि अक्सर हमारे पास पालक अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि इसका अंग हमेशा गर्म होता है, शरीर गर्म रहता है, इसको हल्का सा बुखार रहता है, या कई बार इस चिंता के साथ में आते हैं कि बहुत बार इसके बहुत टेस्ट हो गए हैं, बहुत इन्वेस्टिगेशंस हो गए, लेकिन हर बार नॉर्मल आते हैं, लेकिन इसका अंग गर्म ही होता है। तो इस हल्के बुखार को, सौम्य ज्वर को, इसके कारण क्या है, ये कहाँ तक ठीक है या इसमें कहाँ तक चिंता करनी चाहिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच अमरावती शहर के वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र जी देशमुख उपस्थित है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर देशमुख सर, इन्होंने MBBS की शिक्षा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से हासिल की और वहीं से इन्होंने अपनी PG डिग्री DCH और MD वहीं से इन्होंने प्राप्त की। और इसके अलावा लंदन UK से इन्होंने DCH की पदवी हासिल की और पिछले 31 वर्षों से अमरावती वासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर की सीनियरिटी इसी बात से पता चलती है कि सर के बाद में नई पीढ़ी के रूप में इनके सुपुत्र डॉक्टर कौस्तुभ बाल रोग चिकित्सक के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर सर के साथ काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो शरीर गर्म होता है या बुखार आता है, तो बुखार क्यों आता है? बुखार यह बीमारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है। इसका कारण अपने विकसनशील देश में संसर्गजन्य रोगों की वजह से बुखार आना काफ़ी कॉमन बात है। हमेशा बुखार आता है और पालक उसकी वजह से चिंतित होते हैं, लेकिन बुखार यह अपने शरीर में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कार्यान्वित होने की एक संदेश देता है वो अपने को, और उसके लिए दिल में ज़्यादा भय रखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई रोग निर्माण करने वाले जंतु अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो खून में जो सफ़ेद पेशियां रहती है वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और जंतु को नष्ट करने की वो कोशिश करते हैं। ये लड़ाई में सफ़ेद पेशियों की और जंतुओं को ख़त्म करने की जो लड़ाई है, इसमें पायरोजन नाम का एक घटक अपने खून में मिल जाता है और यह घटक अपने ब्रेन पर प्रभाव डाल के अपने ब्रेन में जो अपने शरीर का तापमान संतुलित करने वाली जो प्रणाली रहती है उस पर प्रभाव डालता है और शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए उसको मैसेज देता है। इसकी वजह से अपने शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बढ़ा हुआ तापमान अपने शरीर को लाभदायक रहता है, वो जंतुओं को नष्ट करने में मदद करता है, सफ़ेद पेशियों की संख्या बढ़ाता है। तो इसको हम ऐसे समझ लें कि जिस तरह से अगर हमको पानी को निर्जंतु करना है, स्टराइल करना है, तो जैसे हम पानी को उबालते हैं और उस हीट से अंदर के जंतु खत्म होते हैं, उसी तरह बॉडी अपने से कोशिश कर रही है, वो जंतुओं की संख्या घटाने में मदद करता है। हीट जो होती है वो गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर जाती है, तो अभी जिस तरह से गर्मी का मौसम चल रहा है, इतने आसपास में वातावरण गर्म हो रहा है, तो फिर आपको हमको बुखार क्यों नहीं आता है? इसका पहला कारण ये है कि अपने ब्रेन में एक अपने शरीर का तापमान संतुलन रखने की जो प्रणाली है उसका ये जो सेंटर रहता है अपने ब्रेन में, उसका सबसे बड़ा इसमें कार्य है। वो बाहर के बदलाव के वजह से भी अपने शरीर का तापमान हमेशा कांस्टेंट रखने में मदद करता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है, जैसे कि साइकोलॉजिकल चेंजेस, अपने ब्रेन अपना अपने को मैसेज देता है कि बाहर का तापमान बढ़ने की वजह से शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो आप छांव में चले जाइए, ठंडी हवा में बैठिए, पंखे के नीचे बैठिए, बहुत ज़्यादा हेवी एक्टिविटी डालिए वो मत कीजिए, और जो शरीर में पसीना आना जो शुरू होता है उसके वजह से अपने शरीर की जो गर्मी है, हीट है, वो बाहर के वातावरण में ट्रांसफ़र हो जाती है। सो ये इन सब चीज़ों के वजह से अपने शरीर का तापमान हमेशा बाहरी वातावरण में बदलाव होने के बावजूद भी कांस्टेंट रहता है। तो दर्शकों, डॉक्टर देशमुख सर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं कि अगर शरीर का तापमान बढ़ना शुरू होता है या गर्मी में जब हम लोग हैं तो शरीर जो सिग्नल दे रहा है उसकी ओर हमें लापरवाही नहीं करनी है। अगर शरीर कह रहा है कि आप गर्मी टालिए और ठंडी हवा ठंडी जगह में जाइए, तो हमको वो पालन करना चाहिए। जरूर।
कई बार ऐसा होता है कि अभी जिस तरह से मौसम चल रहा है तो पालकों की अक्सर शिकायत होती है जो छोटे बच्चे होते हैं खास करके 6 महीने से नीचे 1 साल के नीचे, तो जब हाथ लगा उनका गर्म होता है, इसका क्या कारण है? गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो दो चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि जैसे ही गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तो शरीर अपना उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा ज़रूर, तो वो शरीर की गर्मी हीट बाहर जाना ज़रूरी है बाहर के वातावरण में। लेकिन अगर बच्चों को हमने बहुत हेवी क्लोथिंग पहनाए, बहुत जाड़े कपड़े पहनाए या टाइट कपड़े पहनाए तो ये शरीर की हीट बाहर के वातावरण में नहीं जा सकती और शरीर का तापमान कम नहीं हो सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी के दिनों में शुष्कता ना होना चाहिए, इसके लिए अपन ने हमेशा सावधान रहना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए, और ये जो शुष्कता होती है उसके वजह से बुखार आता है जिसे अपन डिहाइड्रेशन फीवर बोलते हैं, तो वो ना हो इसलिए भरपूर पानी पीना, भरपूर पेय पीना जरूरी है। सर, जैसे आपने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शरीर, उनका तापमान जो बढ़ जाता है कि गर्म वातावरण रखने से हो जाता है, तो फिर इसमें फ़र्क कैसे करें कि वो गर्म वातावरण के कारण से शरीर का तापमान बढ़ा या उसका सही में बुखार है? बहुत बार पालक अपने को बताते हैं कि बच्चों को शरीर को हाथ लगाए तो उसको शरीर एकदम गर्म लगता है, और उसको अब उसके लिए अपने को उनका टेम्परेचर जांच करना, शरीर का तापमान नापना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए ये कुछ थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं अपन, तो उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। ये सिंपल क्लिनिकल थर्मामीटर है जिसमें मर्क्यूरी पारे का उपयोग होता है और ये काफ़ी अरसे से अपन इस्तेमाल करते आए हैं, तो ये तापमान गिनने के लिए थर्मामीटर हमेशा ऐसे पोजीशन में रखिए कि उसका पारे की जो बाजू है वो बगल के ऊपर के साइड में अच्छे से उसको रखें और कम से कम 2 मिनट तक उसको दबाए रखें और उसके बाद में उसका तापमान का रीडिंग लेना है। बाकी नए जो तरीके हैं, नए प्रकार के जो थर्मामीटर्स हैं, जैसे कि ये डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं अपन, इसका अपन उपयोग कर सकते हैं, इसको उसके जो उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उस हिसाब से उसको तापमान मापने के लिए अपन वापर सकते हैं, और ये डिजिटल थर्मामीटर अपन बगल में टेम्परेचर लेने के लिए भी वापर सकते हैं, मुंह में जबान के नीचे रख के उसका टेम्परेचर गिन सकते हैं, और रेक्टल टेम्परेचर भी इसके अपन गिन सकते हैं, जो नवजात शिशु रहते हैं उनका रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं अपन कभी कभी, वो अपन गिन सकते हैं। तीसरा, शरीर का तापमान गिनने का और एक तरीका है जो कान में रख के अपन शरीर का तापमान गिन सकते हैं, यहाँ पे इसका एक सेंसर है वो कान के अंदर रख के उसका तापमान अपन गिन सकते हैं, तो किसी भी तरीके से अपन शरीर का तापमान गिन के एक्चुअली उसको बुखार है या नहीं है ये जानकारी अपन ले सकते हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर मान लीजिए बच्चे को बुखार तेज हो रहा है या बुखार आंग गर्म है और किसी कारण से डॉक्टर तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई, तो उन्होंने घर पे क्या उपाय कर सकते हैं? काफ़ी हद तक बुखार कम करने के लिए अपन घर में ही उपाय जरूर कर सकते हैं और वो करना चाहिए। इसमें बुखार कम करने के लिए अपन बहुत बहुत बार नॉर्मल जो बच्चे रहते हैं, जो जिनको कोई बीमारियां नहीं रहती है काफ़ी अरसे से, ये बढ़ते हुए शारीरिक टेम्परेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से वो सहन करते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बुखार कम करने के लिए अपन घर में जो कर सकते हैं वो ये है कि अगर कपड़े बहुत ज़्यादा पहने हो तो उनको निकाल लीजिए, कम से कम कपड़ों में रखें, खिड़कियाँ खुली कर दे, घर में ताज़ी हवा आने दे, और गर्मी का मौसम हो तो घर में कूलर वगैरह लगाइए या ठंडी हवा रखो, और भरपूर पानी पिलाओ, क्योंकि शुष्कता कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुखार में शुष्कता बढ़ने से बुखार और ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है और उससे काफ़ी परेशानी भी आगे चल के हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये घर में अपन घर में ही बुखार कम करने के लिए अपने चिकित्सक के पास ले जाने के पहले ही अपन कर सकते हैं। कपड़ा पानी में गीला करके आंग पोछना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है बुखार कम करने के लिए और वो जरूर करना चाहिए। उसके लिए जो
रूम टेम्परेचर पे या अपन जो टैप वाटर बोलते हैं, जो अपने रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल बाहर का जो तापमान है उस पे रहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रिज के या बर्फ़ के पानी से आँख कभी भी पोंछना नहीं चाहिए। इसके वजह से बुखार कम होने के बदले बुखार ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसके वजह से बच्चों को शिवरिंग होगा, थरथराहट होंगी और टेम्परेचर और ज़्यादा शरीर का तापमान और बढ़ेगा। दर्शकों, डॉक्टर देशमुख सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है, क्योंकि आमतौर पर जब बच्चों को बुखार आता है या उसका शरीर गर्म होता है तो सब चीज़ें इसके उल्टी की जाती है कि पंखा वगैरह सब बंद कर दिया ताकि उसका हवा नहीं लगे, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी जाती है और बाहर की हवा नहीं लगे इसलिए उसको और कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो बुखार या टेम्परेचर कम होने वह और बढ़ जाता है। तो इस महत्वपूर्ण सूचना को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस पर अमल करना है। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना सर ने दी है कि ऐसे अगर तरीके अपनाएं तो हमको शायद बुखार की दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर सर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कुछ अवस्थाएं, कुछ कंडीशंस हैं कि जिसमें बुखार की दवाई देना ज़रूरी होता है? जैसे कि जिन बच्चों को कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो, जिनमें शरीर नीला पड़ता है, जिन बच्चों को थायरॉयड ग्रंथि की ज़्यादा एक्टिविटी के वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, जिन बच्चों को ज़्यादा बुखार बढ़ने की वजह से फिट्स वगैरह आती है, इन बच्चों में या जिन बच्चों को दीर्घकालीन फुफ्फुसों की बीमारी रहती है, लंग्स की बीमारी रहती है, उनको बुखार कम करने की दवाएं देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन बुखार बढ़ने की वजह से इसके काफ़ी दुष्परिणाम हो सकते हैं इन बीमारियों में। तो सर, जैसे हम बार बार जिस चीज़ की चर्चा करेंगे, अगर बुखार सौम्य है, माइल्ड है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, पर ऐसे कुछ लक्षण हैं कि जैसे हम खतरे के लक्षण मानते हैं कि अगर बुखार साथ में लक्षण हो तो घर पर ना बैठते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, ऐसे कौन से लक्षण हैं? अगर बच्चों को बुखार में बच्चा अगर सुस्त हो जाता है, अगर बड़बड़ाता है और कुछ खाता पीता नहीं है, तो इन चीज़ों में अपने चिकित्सक के पास ले जाना है और बुखार कम करने की दवाइयाँ भी हमें उनको देना है। तो जैसे हर पालक की इच्छा होती है, हमारी इच्छा होती है कि बच्चे को बुखार नहीं आए, इसलिए क्या करना चाहिए? बुखार नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई दवा अभी तक तैयार नहीं हुई है। बुखार जिन चीज़ों के वजह से आता है वो आएगा ही, लेकिन बुखार कम करने के लिए, आया हुआ बुखार कम करने के लिए कुछ चीज़ें है जो, या उसके दुष्परिणाम ना हो, इनके लिए अपन कुछ चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि निरोगी जीवन शैली है और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जंक फूड का उपयोग नहीं करना चाहिए, बच्चों को पूरा टीकाकरण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने चिकित्सक की सलाह लेकर बुखार का निदान करके उसके लिए जो दवा या देना चाहिए वो ज़रूर वापरना है। दर्शकों, आज के एक महत्वपूर्ण चर्चा में जो कुछ मुद्दे उभर के आए हैं, डॉक्टर राजेंद्र देशमुख सर ने हमसे चर्चा की है कि बच्चों में जो सामान्य माइल्ड फीवर होता है, हल्का बुखार होता है, तो शरीर के लिए लाभदायक होता है, उसे कम करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ साधारण उपाय, जैसे बच्चों को हल्के कपड़े पहनाएं, पंखा या कूलर शुरू रखें, खिड़की दरवाजे खुले रखें, ज़रूरत पड़ने पर उसे गीले कपड़े से पोंछ लें, इन उपायों से बच्चे का जो आँख गर्म होता है वो निश्चित तौर से उसका तापमान कम हो जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ दवाई देना ज़रूरी होता है, और किसी भी शंका की सूरत में अपने डॉक्टर की मदद या उनकी सलाह अवश्य लें। डॉक्टर देशमुख सर, स्टूडियो में आप आए, इसके हम आपके आभारी हैं। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।